जुड़े रहें एनएन वार्ता के साथ। नमस्कार करदम कर्बियोंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डीजे ड्रोंग और आप देख रहे हैं एनएन वार्ता कर्बियोंग नॉर्थ ईस्ट। 6 जिलों पर 36 घंटे बंद का ऐलान। शिखर पान मसाला में पाया गया खतरनाक पदार्थ। केएसयू द्वारा प्रार्थना पत्र तैयार किया गया हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल को। आइए जान लेते हैं खबरें अब विस्तार से। बाबू सिंह बे नाम के एक शख्सियत का खो गया है सेबा के एचएसएलसी का मार्कशीट। कहते हैं कि वे किसी दुकान में जेरोक्स करने के पश्चात घर लौटते वक्त मार्कशीट खो गया। वे दरख्वास्त करते हैं कि अगर इसकी जानकारी किसी के पास है तो कृपया करके उन्हें इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। बताया गया कि वे फुलोनी हाई स्कूल से पास आउट हुए थे। दिमासा पीपल्स सुप्रीम काउंसिल तथा दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी DNLA के मुखिया के दफ्तर की तरफ से 36 घंटे के बंद का ऐलान पत्र जारी किया गया है। 14 अगस्त के सुबह 5 बजे से 15 अगस्त के शाम 5 बजे तक ये बंद रहेगा। होजाई जिला, कार्बी आंगलोंग, दिमाहासाओ, काचार, हाइलाकांदी और करीमगंज इन 6 स्थानों पर बंद का ऐलान किया गया है। इस पत्र के मुताबिक DNLA दिमासा लिबरेशन आर्मी की ये मांग है कि सरकार द्वारा निर्माण किया जाए हिरिम्बा राजी स्टेट का। कहते हैं कि ये उनका संवैधानिक हक है। किसी का जमीन हम लोग डिमांड नहीं कर रहा है। हम लोग पहले से हम लोग जो हम लोग का दिमासा पुत्र के जो राज्य है उसको हम लोग क्लेम कर रहा है और हम लोग मिलने का राइट है, हक है बोल के असम सरकार और भारत सरकार को भी मालूम है। जब तक हम लोग का फुलफिल नहीं होगा ये हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। और पहले DNSF, DST, DCJ दोनों भी आंदोलन करके गया और 1991 से आज तक भी आचो यानी ऑल डिमासा स्टूडेंट यूनियन उन लोगों भी ये आंदोलन कर रहा है। अभी तक हम लोग का डिमासा कचहरी का समस्या प्रॉब्लम अभी तक असम सरकार और भारत सरकार अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है। इसलिए आज DNLA के थ्रू से असम सरकार और भारत सरकार को मैसेज दे रहा हूँ, हम लोग जो डिमांड है, हम लोग जो क्लेम कर रहा है उसको असम सरकार और भारत सरकार फुलफिल करो और करना भी चाहिए और करेगा बोल के मैं आशा भी करता हूँ। बोलने को बहुत है लेकिन ज़्यादा नहीं बोलेगा। आज हमारा एडवाइस शिखर पान मसाला, इस ब्रांड को कौन नहीं पहचानता। हमारे संवाददाता के हाथ लगा एक गौर करने वाली खबर। ये सच में एक गौर करने वाली विषय है क्योंकि NICPR के मुताबिक 20 करोड़ भारतीय गुटखा चबाते हैं। और देखिए इस नीले से दिखने वाले इस टुकड़े को, हम इसलिए इसे दिखा रहे हैं क्योंकि ये शिखर पान मसाला के पैकेट से निकला है मसाला के साथ। ध्यान से देखिए, ये एक क्रंची प्लास्टिक का टुकड़ा है क्योंकि ये एक शीशे की तरह कुरकुरे टाइप का है, चबाने पर टूट के बिखर सकता है। तो आप सोच सकते हैं ये कितना लोगों के शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं, जानलेवा तक हो सकता है। पान मसाला वैसे भी सेहत के लिए हानिकारक तो है ही, ऊपर से इस तरह के खतरनाक प्लास्टिक का टुकड़ा पाना सोचिए। सेलिब्रिटीज गुटखा के एड यानी विज्ञापन को बड़े शान से दिखाते हैं, जाहिर सी बात है वे इन पदार्थ का सेवन तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं। गुटखा तैयार करने का मिश्रण सुपारी के टुकड़े, कत्था, चूना, इलायची, लौंग, खाने वाला इत्र को निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है। इनमें और कौन कौन से पदार्थ की मिलावट की जाती है हालांकि यह रहस्य बना हुआ है, लेकिन जानकारों की मानो तो गुटखों का स्वाद बढ़ाने इनमें ऐसे रसायन मिलाए जा रहे हैं जो बहुत ही जहरीले हैं, जो धीरे धीरे लोगों को मार रहे हैं, यानी कि शरीर के अंगों को डैमेज कर रहे हैं। इसके अलावा ये पुरुषों को नापुंसक भी बना सकते हैं। जी हाँ, पुरुष बच्चे पैदा करने की क्षमता तक खो सकते हैं। संवाददाता नूर अली का ये रिपोर्ट। मिलते हैं एक नई खबर के साथ, देखते रहिए एनएन वार्ता कार्बी आंगलोंग नॉर्थ ईस्ट। हिंदी में कार्बी आंगलोंग की ताजा खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें। कुरुर वांगथू।